नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक मंच पर एक साथ आते हैं और दुनिया को एक नया संदेश देते हैं। संदेश यह है कि भारत और अमेरिका दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कुछ अलग हटके है। इस दोस्ती में एक दूसरे की मदद है तो दुनिया की फिक्र भी है। इस्लामिक आतंकवाद की चुनौती को धूल चटाने का इरादा है तो नए प्रयोग भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में रॉकस्टार जैसा जलवा कायम किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने मंच से 50,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ संबोधित किया और अपनी बात इतनी मजबूती से रखी कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ताली बजाकर अभिवादन कर रहे थे। ये है न्यू इंडिया, ये है मोदी का नया भारत। इस मुलाकात से भारत कितना फायदा उठाएगा, कितनी ताकत और हासिल करेगा, कितना सम्मान और बढ़ाएगा, क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा जो सपना है उसमें ये कुछ और आगे बढ़ाने में काम आएगा, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं कल के इस मेगा इवेंट की कुछ झलकियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से बखूबी लगाया जा सकता है। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में मोदी और ट्रंप के बीच नई केमिस्ट्री से साफ है कि दोनों नेता रिश्ते का नया चैप्टर लिख रहे हैं। हाउडी मोदी इवेंट में मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी के साथ उनकी बातें भी उतनी ही स्पेशल थी। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारियों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रंप और मोदी दोनों ने एक स्वर में अपनी बात रखी। ट्रंप ने दुनिया भर में तेजी से फैलते कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की बात कही, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का बिगुल बजा दिया। Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. America mein 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। ट्रंप ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों के लिए सीमा सुरक्षा को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सीमा पार से बढ़ते आतंकवाद को लेकर उसकी पोल खोल दी। Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis. And we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं,
आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी भारतीयों को भरोसा दिलाया कि भारत में सब अच्छा हो रहा है। सरकार व्यापार के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर कर रही है। सरकार ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब $1.3 ट्रिलियन खर्च करने वाले हैं। मैं कल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से यहां ह्यूस्टन में मिला। भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का जो निर्णय लिया है, उससे वो सारे के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। उनका फीडबैक है कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने के फैसले से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। मोदी और ट्रंप की नई दोस्ती के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दोनों नेताओं की दोस्ती का भारत को फायदा होगा? क्या आने वाले दिनों में ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं खत्म हो जाएंगी? आतंकवाद के खिलाफ जिस निर्णायक लड़ाई की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, क्या अमेरिका उसमें भारत का पूरा साथ देगा? यही हमारा आज का सवाल भी है ट्विटर पे, जो हम आपसे रोज पूछते हैं कि क्या मोदी ट्रंप की नई दोस्ती का फायदा भारत को होगा। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पे जाइए और ज्यादा से ज्यादा इस शो में और चर्चा में भाग लीजिए इस सवाल के जरिए, और हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे। अगला एक घंटा आपके पास पूरा है। परिचय करा दें आपका मेहमानों से, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती साहब, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन जी, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा और हर्षवर्धन त्रिपाठी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभ्रांश राय भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग एक एक बार सबके पास आते हैं और एक तय वक्त में 90 सेकंड में अपनी बात एक बार रखते हैं, उसके बाद हम चर्चा को ओपन करते हैं, जिससे कि आप एक बार अपनी बात समग्र रूप में रख लें। और सबसे पहले मैं पिनाक साहब आपके पास आना चाहता हूँ। 50 मिनट का नरेंद्र मोदी का वो ओजस्वी भाषण, और जिसमें तकरीबन सारी चीज़ें, बड़े मुद्दे शामिल थे और बड़े फोर्सफुली वो चीज़ रखी गई, और शायद इतिहास में पहली बार था कि US प्रेसिडेंट इस तरीके से डायस को शेयर कर रहे थे और उसकी बातों को सुन के अप्रिशिएट कर रहे थे। कैसा लगा आपको ये? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बड़ा यूनिक सा सिचुएशन बन गया है और जो हमने देखा कल, पर इसमें पर हम लोगों को इसके थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा कि इससे भारत को और अमेरिका को क्या फ़ायदा है। मैं दोनों देश का नाम ले रहा हूं क्योंकि एक तरफा फ़ायदा कभी होता नहीं है रिश्तों में, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में। दोनों देश जो हैं वो अपना देखेंगे, अपना रुख देखेंगे, और मुझे लगता है कि ट्रेड एक एरिया है जहां हम लोग आपस में मिलजुल के काम कर सकते हैं, थोड़ा गिव एंड टेक की वहां गुंजाइश है, पर ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन की बात है, या फिर ई कॉमर्स के जो टैक्सेशन की बात है, या फिर जो मेडिकल मेडिकल स्टेंट्स वगैरह या ड्रग प्राइसेस हैं, ये सब एरिया हैं जहाँ पे कोई सम्मति नहीं है और हमारे मतलब जो विचार हैं एकदम मतलब एक जगह पे नहीं है। तो वहाँ पे तो खैर थोड़ा बहुत भिड़ंत हो सकता है, पर डिफेंस एरिया में काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कुछ और ऑर्डर्स भी उनको मिलेंगे। तेल के जो 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 क्रूड ऑयल है उसमें भी हम लोग अमेरिका से मेरे ख्याल में 200% से ज़्यादा
हमारी खपत बढ़ गई है, उनके यहाँ से आयात हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी हैं ये ऑप्टिक्स जो आपको हम लोग जो देख रहे हैं जी, ये इसका एक बैकग्राउंड है ऑप्टिक्स जी, ये एक बैकग्राउंड है और इसके आगे बहुत सारी चीजें आपको सुनाई दे रहा है। मैं जी 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 आता हूँ सर, दोबारा सेकंड राउंड में आऊंगा तो। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो जी कंप्लीट करिए, कंप्लीट सॉरी, अच्छा ओके पिनाक जी कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो ऑप्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, जो कल देखा हमने ऑप्टिक्स जो ह्यूस्टन में हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि ये आज का बैकग्राउंड नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है जी। ये काफी दिन से चल रहा है और सिर्फ ट्रंप साहब के प्रेसिडेंसी में भी नहीं, ओबामा के प्रेसिडेंसी में भी जो हमने जो प्रोग्रेस किया था डिफेंस में, ट्रेड में और बाकी जो कई सारी चीजें हैं डिफेंस रिलेशंस में, फिर इंडो पैसिफिक की जो बात है, सो धीरे धीरे जो कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट है वो अमेरिका और इंडिया का हो रहा है, जो पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये एक नया सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन भी चेंज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल बैलेंस भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल बैलेंस चेंज हो रहा है, नई इबारतें लिखी जा रही, नए मौके हैं, नई दोस्ती है और नए तरीके से लिखा जा रहा है क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और भारत भी अब अपने इस बदले हुए रुख के साथ वहां पहुंच रहा है। सुशांत सरीन साहब, आपको कैसा लगा? नहीं देखिए, मैं जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं मैं काफी हद तक सहमत हूं उनसे। दो तीन चीज हमारे को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। एक तो हमारी ये बात बिल्कुल ठीक है, एक सामरिक तरीके से हमारी कन्वर्जेंस हो रही है और उसको भी ये जो कल समारोह हुआ उसको दर्शाता है, लेकिन हमारी जो आर्थिक आपस में नज़दीकियां हैं उसका सिर्फ नंबर्स को ही अगर आप देखें कि अगर हम $140 बिलियन की ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, उसमें जो हमारे डिफेंस का ट्रेड है वो 10% से भी कम है, मेरे ख्याल 5% के आसपास, शायद उससे भी कम है। तो हमारे जो ज़्यादा रिलेशनशिप है वो सिर्फ सामरिक नहीं है, आर्थिक तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है भारत के लिए। उसी के साथ साथ क्योंकि अब हम हथियार अमेरिका से ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो एम्बेसडर साहब ने भी बात की, जो एनर्जी सप्लाईज हम अमेरिका से रूट कर रहे हैं वो हमारी जो स्ट्रैटेजिक कॉम्पैक्ट है उसको और नज़दीक करता है। और उसका एक उदाहरण ये है कि शायद आज या कल में जो विदेश मंत्री हैं, जो क्वाड में अभी तक हम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से आगे नहीं बढ़ रहे थे, उसमें अब जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री आपस में मिल बैठेंगे और उस पर बात आगे बढ़ाएंगे। और उसमें मेरे ख्याल हमारे को चीन को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरीके का उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, उसने शायद हमारे को धकेला इस तरफ थोड़ा और। तो एक तो वो सामरिक रिश्ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल जो कल समारोह हुआ उसका एक राजनीतिक भी एक उद्देश्य था और वो ये था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं अगर 40-45 लाख के करीब हैं अमेरिका में, तो वो असर और रसूख भी रखते हैं, वो पैसा भी रखते हैं, वो कारोबार में भी हैं और ये सारी चीजें किसी भी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल ट्रंप साहब अपनी जो राजनीति थी उसको भी चमका रहे थे और अगर उनकी राजनीतिक चमकते हुए भारत को उसका फायदा होता है तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए 14 लाख करें से प्रीति, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर आदमी अपने फायदे के हिसाब से चीजों को रखता है। सैयद जफर इस्लाम, चूंकि कल तो मतलब बहुत ही जबरदस्त माहौल था, ट्रंप साहब का भी बड़ा जबरदस्त भाषण था और उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी, दोनों जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बीच में एक बात मुझे सामने दिखी कि दोनों एक दूसरे के बेनिफिट की बात करते। मैंने इससे पहले नहीं सुना था कभी कि यूएस प्रेसिडेंट इतना भारत को इस तरह से तवज्जो दे कि वो भारत की हमारी इतनी चिंता करे कि हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी उतनी ज़रूरी है, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी उतनी ज़रूरी है। ये जो माहौल बना कल और ये जो नई दोस्ती नए तरीके की आ रही है, तो अब अंत में फिर वही आता है कि हम इससे गेन क्या करेंगे। तो कुछ बैकड्रॉप में कुछ प्लान्स होंगे, कुछ आगे और चीजें, कुछ हमें गाइड करिए कि क्या हो सकता है आगे जिसमें हम फायदा उठाएंगे सामरिक के अलावा बिजनेस में भी। देखिए 3-4 चीजें अहम है, 5 चीजें मैं कहूंगा अहम है। एक तो जिसके बारे में खुलासा कर दिया दोनों हेड ऑफ स्टेट ने, ट्रंप ने भी और प्रधानमंत्री ने, के आतंकवाद पे हम साथ लड़ेंगे, यकसा लड़ेंगे, एक साथ शोल्डर टू शोल्डर, ये हमारी फ्राइट है और हम साथ लड़ेंगे और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन और जो साथ जो है
अमेरिका का हमारे साथ रहेगा, ये बहुत साफ लफ्जों में ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था और वहां और ऐसी कंट्री के लिए था जो जरा सा भी पाकिस्तान के साथ है और आतंकवादी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज था। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो जाना था वो दे गया। दूसरी बात है जो एनर्जी सिक्योरिटी से जो इंडिया का कंसर्न है, वो कंसर्न भी इस पूरे जो 7 दिन के दौरे में कहीं ना कहीं उसका भी रेजोल्यूशन मुझे उम्मीद है कि वो भी निकल जाएगा जरूर। बहुत हद तक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज है और इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका भी समाधान निकलेगा। इसलिए कि वो जो मीटिंग कल भी एनर्जी के सीईओ से हुए थे, कंपनीज के सीईओ से हुई थी और फर्दर उस पर जो और डिस्कशन होना है मुझे लगता है उसमें भी काफी हम हद तक अचीव कर पाएंगे। तीसरा चीज जो है वो ट्रेड में है, जो बायलैटरल ट्रेड है उस पर देखिए इंडिया की नजर है और अगर आप बजट का भी नजरिया देखें, डायरेक्शन देखें, तो हम जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हमने एक्सपोर्ट्स पर रखा है, ग्लोबल ट्रेड पर रखा है नजर और हमने कहा है कि हम ग्लोबल ट्रेड का जो है परसेंटेज जो है जो आज 1.67 के आसपास है उसको हम कहीं 3-3.5% पे ले जाए ताकि बाहर की कंपनियां आए और यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत बड़ा जो निवेश जो है वहां पर होगा वो उसकी उसकी बहुत बड़ी संभावना है कि कई ऐसी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगी और यहाँ से ही एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में। जैसे बिल्कुल इसका खाका तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रखा कि देखिए हमने टैक्स कट की, वो शुक्रवार को कट किए गए और पूरा वो बात उन्होंने सामने रखी भी। और ऑफ कोर्स एक और बड़ी अहम बात है जो मैं दोबारा सेकंड राउंड के लिए शिवकांत शर्मा सर, आप तो मतलब बहुत करीब से देख रहे थे, तो ये एक जो नई तरीके की दोस्ती, नया इतिहास लिखा गया है, ये एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए व्यापारिक, सामरिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बात अभी सभी वक्ताओं ने की और इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों पहलुओं से रिश्ते गहरे हुए हैं। अब चुनौती यह है कि इन रिश्तों को किस तरह से परमानेंट किया जाए, इनको ठोस बनाया जाए। और उसका एक तरीका जो इसराइल और अमेरिका के अगर आप संबंध देखें तो जो यहूदी वहां समुदाय है, यहूदी समुदाय के वर्चस्व की वजह से, राजनीतिक पकड़ की वजह से इसराइल और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं लेकिन बराबर उनकी ठोसता बनी रहती है। तो लगभग उसी तरह का प्रयास है ये। कल का जो आयोजन था वो भारतीय समुदाय, क्योंकि यहूदी समुदाय के बाद सबसे ज्यादा मालदार और शक्तिशाली समुदाय बन के उभर रहा है और तेजी से उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो उसका फायदा उठा करके उनका राजनीतिक वर्चस्व वहां अमेरिका में बढ़े और उसके सहारे जो रिश्ते अब तक बने हैं उन रिश्तों में एक मजबूती कायम रहेगी। उसको कायम रखने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी होती हैं और ये दोस्ती अब मुझे लगता है उधर ही जा रही है। जी सुभ्रांश हमारे साथ हैं। सुभ्रांश, ये जो नई दोस्ती शुरू हुई है इसमें एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था पाकिस्तान के लिए और खुल के ये बात ट्रंप साहब ने भी कही कि हमें जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है इसको खत्म करना है और मोदी जी ने भी कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि निर्णायक लड़ाई लाई जाए। तो भारत को इतना बड़ा समर्थन यूएस से खुलेआम मंच पे मिल रहा है, ये कम बड़ी बात है? बहुत बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट है ये। देखिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आपने वर्ड स्टार्ट किया था मेगा इवेंट, तो चूंकि बिजनेस चैनल है तो हम बिजनेस के रास्ते राजनीति में इंटर करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप हार्डकोर बिजनेसमैन और स्ट्रांग नेगोशिएटर हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि मैं गुजराती हूं, मैं व्यापार बहुत अच्छी तरह समझता हूं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आर्थिक शक्ति और आर्थिक राष्ट्र बनने के लिए आपका आर्थिक व्यापार सबसे मजबूत होना चाहिए, ये प्रायोरिटी नंबर वन पर होना चाहिए। सामरिक रूप से इंडिया बहुत मजबूत है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट, हमारा इसरो टेक्नोलॉजी लेवल पर हम ऑलमोस्ट फॉर हेड हैं। तो हम बात करते हैं व्यापार की। एनर्जी सिक्योरिटी कब होगा, क्या होगा, ये कितनी देर से आएगा, ये फ्यूचर का विषय है। लेकिन जो पास्ट में हमने खोया है ईरान के साथ रुपए के अगेंस्ट तेल का व्यापार, नतीजा ये है कि आज तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था सब अच्छा हो रहा है हिंदुस्तान में, इस अच्छे पे कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा वर्ड है, उन्होंने जिक्र किया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर मैं छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफिनेशन देने की कोशिश करूं तो फिलहाल मैं अभी आपको नोएडा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और नोएडा से आगरा जाने के रास्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर विधवा बेवा की तरह खड़ा हुआ है। बना तो है,
बिल्डर जेल में है और जो ग्राहक है वो कोर्ट के बाहर खड़े हैं। तो कितना पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, कॉर्पोरेट टैक्स, बिल्कुल कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, नतीजा ये हुआ मार्केट ने जंप मारा है, आज भी पोजीशन ठीक ठाक थी। लेकिन फिर वही सूट बूट की सरकार कि जिनके पास पैसा है उनका आपने टैक्स घटा दिया और जो आम जनमानस है वो आज भी 30% के फ्लैट टैक्स को एंजॉय कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सुभाष जी, नहीं सर, अगले राउंड के लिए, अगले राउंड के लिए, अभी डेढ़ मिनट वाला राउंड है, डेढ़ मिनट वाला राउंड है, तो इसके बाद वाले राउंड में अभी बड़ा समय है सर। सुभाष जी ने 3 पॉइंट गिनाया है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है और सूट बूट की सरकार बन गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब अभी इस शुक्रवार के ऐलान से पहले तक ये कहा जा रहा था कि सरकार ने उद्योग धंधों को खत्म कर दिया है, उनको मार दिया है, अब कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया तो सूट बूट की सरकार बन गई। सोचिए सर, इसका मैं दोबारा आपसे जवाब लूंगा। हर्षवर्धन जी, आपको कैसा लगा? हाँ देखिए नीरज जी, मैं चूंकि शुरुआती टिप्पणी है तो इस पर हम फैक्ट फिगर आगे बात करेंगे, लेकिन 2-3 बातें जो जिस पर दुनिया की नज़र थी, और वो नज़र ये थी, सबसे पहले तो हमारे अपने लोगों को ये भरोसा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के किसी कार्यक्रम में आएंगे। अब चूंकि ये हो गया तो हम लोगों को ये बड़ा आसान लग रहा है, और वो जो हमने उसके बाद और उसके पहले की खबरें पढ़ी तो ये लगभग असंभव काम था। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें आप कहेंगे कि ह्यूस्टन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो डेमोक्रेट्स को वोट करते रहे हैं, इसलिए अब ये एक तरीका है। ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले 3 अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों से भारतीय मूल के लोगों का जो दखल है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन भारत की तरफ से क्या चेंज हुआ है, भारत की तरफ से जो लीडरशिप का चेंज हुआ है वो कल ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में दिखा। और सोचिए कि ह्यूस्टन में भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को परिचित करा रहे हैं लोगों से, सोचिए कि ह्यूस्टन में भारत के एजेंडे को अमेरिकी राष्ट्रपति आगे बढ़ा रहे हैं, सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की तारीफ वो सारी सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली के तौर पर देखा जा रहा है। जो बात नरेंद्र मोदी जब भारत में बोलते थे तो यहां भी लोग कहते थे कि ये क्या बता दिया कि 5 साल में 2 लाख किलोमीटर गांव की सड़क बना दी, ये क्या बता दिया कि कुछ फाइलों का काम कम हो गया, ये क्या बता दिया कि आप कंपनी जल्दी रजिस्टर करा देते हैं। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स तो एक जिसको कहते हैं कि ट्रिगर पॉइंट है, और मैं मानता हूं कि बजट में वो होने की जरूरत नहीं थी इसलिए उसको सुधारा गया, लेकिन वर्ल्ड मार्केट के लिहाज से और वर्ल्ड पॉलिटिकल पावर के लिहाज से भारतीय गौरव का बोध ये पूरी दुनिया को कल हुआ है। फिलहाल मेरी शुरुआती टिप्पणी में इतना ही। बिल्कुल सही है, डिबेट ओपन करते हैं कि एक बार सबसे बातचीत हो चुकी है, मैं पिनाक जी से एक छोटा सवाल पूछता हूं, उसके बाद जो जवाब दे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रखे गए हैं। पिनाक सर, क्या ऐसा भी है, क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, कि हम लोग इतना ज़्यादा दबे हुए रहते थे पहले कि हमको ये एहसास ही नहीं होता था कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरी उम्र इतनी हो चुकी, मैं भी 20 साल से पॉलिटिकल कवर करता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री US में जाके इस तरह से बोला हो, अपनी बात रखी हो और उनके लिए और अपने लिए एक साथ एक मंच साझा किया हो। तो क्या ये एक वो कॉम्प्लेक्स है कि हमको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, इसलिए हम तरह तरह की आलोचनाएं कि उन्होंने वहां जाके ये क्यों कह दिया आपकी बार ट्रंप सरकार, या वो उनको घुमा रहे थे। ये तो भारत की रसूख और ताकत का एहसास है, दर्पण है कि आप देखिए वहां पर मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो मतलब जिस ताकत से वो बोल रहे थे, ट्रंप साहब ताली बजा के उसका अभिवादन कर रहे थे। पिनाक सर, देखिए इसका जो बैकग्राउंड है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ये ऑप्टिक्स जो है ये एक बैकग्राउंड पे हो रहा है। जो बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस जो इंडिया में आई हैं और जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं इंडो पैसिफिक, और जो मल्टीपोलर काइंड ऑफ वर्ल्ड इज बीइंग बिल्ट। और दूसरी चीज़ है कि पर्सनैलिटी ऑफ जो ये दो जो व्यक्ति हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी पर्सनैलिटी का भी असर है। ये इसको हम दरकिनारा नहीं कर सकते हैं, ये पर्सनालिटी है, ये जिस तरह से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जिस तरह की इनकी थिंकिंग है, और ये बिजनेस फ्रेंडली है, तो इस तरह से जो चला आ रहा है जो सिलसिला अमेरिका और भारत का, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अब उभर के इस
इस मतलब स्टेज पे पहुंची है कि जब एक यू नो प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक मंच पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं. वैसे ओबामा के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार एक मंच शेयर किया था और वो था हमारा रिपब्लिक डे परेड, पर वो दूसरा संदर्भ था, दूसरा था. पर इस तरह की स्पीचेस वहाँ नहीं होती हैं, पर यहाँ तो स्पीचेस में सब कुछ कहा गया और किस तरह की बातें कही गई, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बॉर्डर को. वैसे ट्रंप साहब अपना बॉर्डर का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इमिग्रेशन के संदर्भ में कर रहे थे, पर आतंकवाद का भी जिक्र हुआ और उसके बाद बॉर्डर प्रोटेक्शन करना है वो भी हुआ. सो एक सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पे तो जो अब सामने आ रही हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक नया सॉर्ट ऑफ दौर है और मुझे लगता है कि ये आगे जाके बेनिफिशियल कितना होगा वो तो खैर समय ही बताएगा, पर मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल जरूर होगा. फिर हमने वो कटौती, जो टैक्स कटौती की बात हुई है, उससे भी फर्क पड़ेगा. मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एरिना में भी तेजी जब आएगी. बिजनेस की बात करें या डिफेंस की बात करें तो बिजनेस के बहुत सारे उदाहरण हैं वो किए गए हैं. मुझे याद आ रहा गेल का एक बड़ा मामला फंस गया था गैस की कीमत को लेकर के, जिसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद जाके सॉल्व किया, वरना वो बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था. वो यूएस के साथ ही था. तो इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे बिजनेस के किए हैं यूएस के साथ और अभी भी देखिए एक एनर्जी का हुआ है काम और इसमें आगे भी होगा. चूंकि बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, इस्लामिक टेररिज्म से जुड़े गए. सुशांत सिंह साहब के पास आ रहा हूँ. ये एक बड़ी सफलता के तौर पर हम देख सकते हैं क्या कि इमरान खान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया मंच से जिस तरीके से बोला गया है और एकदम साफ शब्दों में कि भारत को भी अपने बॉर्डर को और दुरुस्त करने की जरूरत है और मैं उसमें उसमें साथ हूं. तो ये तो एक तरीके से भारत की एक जीत कह सकते हैं आप. ये एक मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए कि आपको कोई बहुत बड़ा समर्थन यूएस से नहीं मिलने वाला. यार नीरज जी, दो तीन चीजें मैं कहता हूं. देखिए, पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल हम अपनी अहमियत और अपनी औकात को कम करते हैं जब हम अपने आप को या ये सारा का सारा जो कल समारोह हुआ उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ के देखते हैं. मेरे ख्याल अब हमारी हाइफनेशन एक लिहाज से कल अमेरिका के साथ थी, पाकिस्तान के साथ नहीं थी. और पाकिस्तान जैसे एक घटिया से देश को इतनी हम तवज्जो दे करके मेरे ख्याल हम अपने आप को कम कर रहे हैं. मैं तो उसको अवॉइड करता हूँ जी. दूसरी चीज़ ये कि जो बातें हुई आतंकवाद को लेकर के वो अहम थी, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, लेकिन जो ट्रंप साहब ने बात की वो एक लिहाज से दबे लफ्जों में ही सही. वो जो भारत की एक एक पोजीशन है, चाहे वो एनआरसी को लेकर के हो या और इश्यूज को लेकर के हो, वो उसकी पुष्टि करती थी. और उन्होंने कहा कि जैसे हमारे इश्यूज हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के या बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, वही चीजें भारत के ऊपर भी लागू होती हैं. तीसरी चीज ये कि जो अभी आपने सवाल पूछा था कि ये हम पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके का समारोह होगा अमेरिका में. लेकिन उसके दो कारण हैं. एक कारण तो ये है कि जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो टोटली तब्दील हो गया और जिस तरीके के राजनेता उभर करके आए हैं वो ट्रेडिशनल जो एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसको डिसरप्ट करके ये लोग आए हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो ट्रंप हो या बाकी देशों में और इस तरीके के नेता हो, उन्होंने डिसरप्ट किया है उसको. तो दोनों के दोनों फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं. मेन स्ट्रीम मीडिया एक एक लिहाज से टोटली होस्टाइल था इनकी तरफ, खासतौर पर जो एस्टेब्लिश प्रिंट मीडिया था वो टोटली होस्टाइल था. तो वो भी ये दर्शाता है कि आपस में एक कहीं ना कहीं इनके मन जुड़ते हैं. एक चीज पे और टिप्पणी करूंगा. देखिए, इंटरनेशनल तेल के जो दाम है वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारी ईरान के साथ कोई अमरीकी सैंक्शंस हैं और उससे हमको पीछे हटना पड़ा. ईरान के साथ अगर हम 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं तो अमरीका के साथ हम 140 का करते हैं. एक से दस का हिसाब है और हम अमरीका के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकते. तेल का दाम जो ईरान हरकतें कर रहा है उसके करके बढ़ रहा है नहीं. और लास्ट एक और चीज कहूंगा कि एक चीज और मेरे को कहने दीजिए, ये सूट बूट की सरकार वाला जो स्लोगन है ये काम नहीं करता क्योंकि जब तक वो सूट बूट वाले लोग
देश में उत्पाद नहीं करेंगे, देश में वेल्थ क्रिएशन नहीं करेंगे, नौकरियां पैदा नहीं करेंगे, धंधे को और बढ़ाएंगे नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आज आप ट्रंप के साथ खड़े होके आप छाती धोक के बात कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था आपको करने की इजाजत देती है। जब आप भीख मांगते थे दुनिया भर में तो आप ये नहीं कर सकते थे, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। जी सनी साहब, बिल्कुल पॉइंट है, यही लेके मैं शुभ्रांश के पास जाना चाह रहा हूँ। शुभ्रांश, आपको ये मतलब पहली बात तो ये तेल के दाम कहाँ आसमान छू रहे मुझे ये बताइए आप फैक्चुअली। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हुआ कहाँ नहीं हुआ है। और तीसरा, आपने कहा सूट बूट वाली कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, ये तीनों ही बातें फैक्चुअली गलत है सर। शुभ्रांश जी, चलिए नीरज रिवर्सल करके बताता हूं। तेल के क्या कीमत आज बॉम्बे में है आपको मुझसे बेहतर पता होगा क्योंकि आप बॉम्बे से बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो पता नहीं आपके जो कुलिंग नोएडा में है उनसे पूछिएगा, नोएडा से आगरा के रास्ते में सिर्फ बिल्डिंग आधे अधूरे पे खड़ी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों की हजारों की संख्या में क्लोज टू 90% एक एक करके पहले तेल की जो आपने बात करी है, तेल के दाम इंटरनेशनली $65 पे चल रहे हैं। सुन लीजिए ना, पहले हमारी तुम्हारी बात हो रही है तो आप सुनते चलिए। $65 पे चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो $77 पे प्राइस है उसमें टैक्स का पोर्शन ज्यादा है, जो कि गवर्नमेंट ने एलानिया कहा है बजट में, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है ₹1 तो आपको पास ऑन कर दिया, ₹1 का भी और गुंजाइश रखी है क्योंकि बजट में वो भी प्रोविजन था। तो इसके लिए दुनिया में कोई नहीं जिम्मेदार है, सरकार कर रही है, और उसका लॉजिक भी उन्होंने दिया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए तेल वाली बात आपकी नहीं थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, अभी जवाब भी लेंगे इनसे। सही है जफर इस्लाम से। अच्छा, देखिए आपने कितनी आसानी से डॉलर वर्सेस तेल की कीमत को साइड कर दिया, तो शायद आप पिछली दो लाइनें जोड़ना भूल गए कि जब रुपए के साथ ईरान का व्यापार होता था तो उस समय तेल सस्ता था, या जब डॉलर के मुकाबले हो रहा है तब सस्ता है, जब डॉलर के मुकाबले नहीं सर, के पास सर, फिर फैक्चुअली गलत है आपने उसमें, आप फिर फैक्चुअली गलत है, उसका कोई असर नहीं है सर। ऐसा थोड़ी कि रुपए में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको ₹40 में मिल जाएगा और डॉलर में कर रहे हैं तो ₹72 में मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो बार्टर ट्रेड दूसरी चीज सर, प्लीज उसको मिक्स मत करिए। जी सर, देखिए मैं जितनी जितनी डॉलर की कैलकुलेशन सर आप करने की, जफर साहब जवाब दीजिए, आप लोग ये घालमेल कर रहे हैं। बोल लेता हूँ, जफर से जवाब देता हूँ। नहीं, मैं बोल लूँ उसके बाद। आपने सुभ्रांश जी अरे आज तो कम से कम गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, गर्वान्वित महसूस कीजिए, पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि काश इंडिया में पैदा होते। आप इंडिया में पैदा होकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सुनिए अब जरा सा भाई, एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। जफर साहब, मुझे इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर दोनों लोग घर के बाहर निकलेंगे तो मैं इंडियन कहलाऊंगा और हो सकता है शायद आप पाकिस्तानी कहलाओ। अरे सुन तो लीजिए, कम ये लाइन तो आप बंद कर दीजिए। अरे भैया, शुभ्रांश राय के लिए ये लाइन आप बंद कर दीजिए। सुन लीजिए, आपको ऑकवर्ड लग रहा है क्यों? तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, आपने लाइन, अरे तो फिर आप कहिए ना कि आज अच्छा लग रहा है, आप उसमें भी बुराई निकालने के लिए, आपको सिर्फ देश के बारे में, देश देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ बुराई निकालना है। कहिए कि आज गर्व से कह रहे हैं कि आज जो हुआ, जो इवेंट हुआ वो आज बंद होता हुआ भाई, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। वन ऑन वन पे आप ऐसे करेंगे, एक दूसरे की बात को काटते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुभ्रांश जी और जफर भाई, ऐसे अगर आप लोग बात करेंगे तो कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात करें, किसका किस बात का काउंटर दे रहे हैं, कि इंफ्रा का दे रहे हैं कि ऑयल का दे रहे हैं। एक एक करके ऐसा दोनों लोग थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। मैं एक सवाल बीच में ले लेता हूँ शिवकांत जी से, तब तक आप लोग शांत हो जाइए, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास, बहुत मौका दूंगा। शिवकांत जी, देखिए इस तरीके के नैरेटिव्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग कि इतनी बड़ी बात हो गई है। शिवकांत जी देखिए, ये सब तो घरेलू राजनीति है, ये अमेरिका में भी चलती है, ये भारत में भी चलती है, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन हमें देखना ये है कि अब आगे ये जो दोस्ती, मैं मानता हूं कि मोदी साहब की जो शैली है वो एक निजी रिश्ता कायम करने की शैली है, वो नेताओं के साथ पहले निजी रिश्ता कायम करते हैं और निजी रिश्ते के सहारे फिर वो जो है रिश्ते को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। उसके फायदे भी होते हैं, कई बार उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सत्ता में नहीं रहता तो दूसरा व्यक्ति आता है, उसके साथ रिश्ता कायम करना पड़ता है, उसमें दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमारे रिश्ते अब कुछ देर पहले सुशांत जी बात कर रहे थे डिफेंस की, मुझे लगता है डिफेंस और हाई एंड टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें, क्योंकि अब हम मेजर डिफेंस पार्टनर बन चुके हैं, उसके अलावा मेजर डिफेंस
पार्टनर बनने के बाद अब हम एलिजिबल हो गए हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए। तो आगे चल के हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सौदे होने चाहिए और हाई टेक टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ सौदे होने चाहिए, तभी ये जो रिश्ते अभी तक कायम हुए हैं, जितने सारे कन्वेंशंस बने हैं, वो फलीभूत होंगे, और वो फलीभूत होंगे व्यापार में। और जब जब इस तरह का कन्वर्जेंस होगा व्यापार का और रिश्तों का, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। और सामरिक हितों के साथ साथ फिर क्षेत्रीय हित भी जुटे हुए हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान वाला मामला है तालिबान को लेकर के, उस कॉकस में भारत नहीं है, अब तालिबान के साथ समझौता खटाई में पड़ा हुआ है। तो इसके बाद अब जब बातचीत के लिए बैठेंगे तो ये भी संभव हो सकता है कि भारत ये मांग करे कि हमें भी शामिल किया जाए, जो तालिबान में, जो अफगानिस्तान में हल चाहते हैं उसमें भारत की से क्यों ना हो। जी शिवकांत जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि जो रिश्ते होते हैं वो पॉलिसी पे भी असर डालते हैं, और वो हो सकता है उसके बैकग्राउंड में अपना निजी हित हो। इसी दौरान ये भी चर्चा निकल के आई कि कई सारी डिफेंस डील जो पल रही है, अमेरिका हवाई जहाज बेचना चाहता है, फाइटर प्लेन बेचना चाहता है, और उसके बारे में डील हो सकती है अगले कुछ दिनों में, शायद हो सकता है सुनने को मिले, या बातचीत कम से कम उसकी प्रोग्रेस कुछ निकल के आए। तो ये है मेरा यही सवाल भी है अगला, हर्षदा आपको बताता हूँ कि ये जो निजी रिश्ते बनते हैं जो मोदी जी बहुत बनाने की कोशिश करते हैं सबसे, तमाम देशों के साथ, ये पॉलिसी में भी असर डालते हैं या केवल इवेंट भर के लिए होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिसी में खूब असर डालते हैं और दुनिया ने देखा भी है। और मुझे सुषमा जी अब नहीं रही, उनका वो एक भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से सऊदी के साथ उनके रिश्तों ने बहुत सी चीज़ों का उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया था। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो संदर्भ उसमें तेल से लेकर सारी चीज़ें थी, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी साफ साफ हैं जो दर्शकों को समझ में आएगी, मैं बोल देता हूँ, बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं तो उसमें रियल इस्टेट की बिल्डिंग शामिल नहीं होती है, वो शामिल तब होती है अगर रियल इस्टेट के बिल्डर फ्रॉड करते हुए पिछले कई साल से बिल्डिंग बना रहे थे और दिवालिया हो गए, और ये सरकार रेरा कानून लाती है, ये सरकार आईबीसी लाती है, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतरी के लिए हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर हो या देश का कोई भी शहर, उससे आप बाहर की तरफ निकलिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक जो जरूरी बात थी जिसको दर्शकों को समझ में आएगी। लेकिन मूल सवाल क्या है कि हम अमेरिका के साथ इन रिश्तों की बात क्यों कर रहे हैं? एक रिश्ता वही है कि दुनिया में हमें उस कहें कि एक तो मैं सुशांत जी की बात से बहुत शत प्रतिशत सहमत हूं कि हम अब किसी के साथ हम बात नहीं कर सकते, हम अपनी जो तुलना करेंगे वो दुनिया के उन देशों के साथ करेंगे जिसको हम कहते हैं ना कि ये दुनिया के लीडर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बदले हैं। लेकिन हम अमेरिका के साथ ये सब कर क्यों रहे हैं? एक तो है कि हम अगुआ देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, ये है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जिसको अगर हम इस बिजनेस चैनल पर कहें कि 130-40 बिलियन डॉलर का हमारा और अमेरिका का ट्रेड रिलेशन है, चाइना और अमेरिका का उससे 7-8 गुना या शायद 6 या 7 गुना है, ठीक वो आपको पता होगा। उसमें से वो हिस्सा हमें चाहिए जिसमें अमेरिका के हित न प्रभावित हो और हमारे हित भी बने रहे, जिसको मैं ऐसे कहता हूं कि मेक इन इंडिया भी उतना ही मजबूत हो जाए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी उतना मजबूत हो जाए। कल दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी थी, दोनों नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे की बात की, और मोदी जी तो अब बनारसी हो गए हैं तो वहां कहा जाता है का गुरु, तो दूसरा कहता है हां गुरु, तो उस अंदाज में जिस तरह की जुगलबंदी थी, मुझे यह बहुत आसानी से दिखता है कि अमेरिका उन सारे के सारे ट्रेड रिलेशंस को भारत के साथ करना चाहेगा जो चीन के साथ मुश्किल पैदा कर रहे हैं, जहां ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अमेरिका को ढेर सारी मुश्किलें आ रही हैं। भारत उसके लिए बहुत बढ़िया सहयोगी है, बहुत अच्छे रिश्ते वाला देश है, वो मैं बहुत साफ देख रहा हूं। हाँ, ये एक नेचुरल अलायंस भी है, इसमें कोई शक नहीं। जफर साहब 10 सेकंड आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे कि हमने बहुत सारे और लोगों की राय ली जो आम लोग हैं कि भाई मोदी और ट्रंप की नई दोस्ती से भारत को क्या फायदा होगा, उसको भी सुन ले, उसके बाद जफर साहब और सुभ्रांश के पास चलेंगे। सुनाइए।
भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो भारत का इम्पैक्ट दिख रहा है पूरे वर्ल्ड में कि भारत की कम्युनिटी कितनी ताकतवर हो गई है, ये दिख रहा है कि ट्रंप को आना पड़ रहा है, ट्रंप से अपने फायदे के लिए आ रहे हो, यूज कर रहा हो, लेकिन फिर भी आ रहा है, उसकी उसकी मजबूरी हो गई है। इससे भारत को बहुत तगड़ा फायदा होगा और आने वाले समय में जो भी POK का जो मुद्दा छाया हुआ है उससे भारत जो है पाकिस्तान को से POK वापस ले लेगा। मैग्नेट को खींचती है, अगर दो पावरफुल नेता जुड़ते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के लिए तो बड़े प्राउड की बात है कि ये लोग इंडिया को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। इससे पहले भी बहुत सारी दौरा हुआ है अमेरिका का मोदी का, उससे क्या फ़ायदा हुआ, GDP आज 5% पे है। कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका भी पॉजिटिव वे में भारत को देख रहा है कि यहाँ की कंपनियाँ वहाँ FDI के लिए आ रही हैं। उसी तरह हमें इस बात का कूटनीतिक स्तर पे ये फायदा है कि एक मंच से शुरुआत हो गई है कि ये जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए। निश्चित रूप से भारत को फायदा पहुँचेगा, रक्षा के सहयोग में दोनों देश आपस में अगर इस तरीके से सहयोग बढ़ाएंगे तो भारत को निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा। ट्रंप सी के साथ में दोस्ती से भारत बहुत मजबूत होगा और प्लस आतंकवाद पे बहुत बड़ी लगाम लगेगी इससे। मोदी और ट्रंप की दोस्ती सबसे पहले तो नंबर एक पे हमारे लिए आतंकवाद के लिए बहुत ही फायदा होगा, दोनों देश आतंकवाद की समस्या से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। तो पब्लिक का मूड तुम्हें पूरी तरीके से मोदी जी के साथ में, और वो मानते हैं कि इस दोस्ती से इस नए आगाज से बहुत फायदे होने वाले हैं। जफर साहब आप इशारा करें तो अपनी बात रखें। नहीं मैं बोल रहा हूं कि देखिए सिर्फ अमेरिका से नहीं, आप इस बात को समझिए और तस्लीम कीजिए कि कल का जो इवेंट था वो ऐतिहासिक इस तरह से है कि ये पूरे दुनिया में टेलीकास्ट किया जा रहा था, इसलिए कि भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है और भी ज्यादा बढ़ा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़े होकर प्रधानमंत्री के इंट्रोडक्शन को सुन रहे थे और बाद में पूरी स्पीच जो प्रधानमंत्री की वो उन्होंने सुनी, और साथ में जो इस तरह की भाषाओं का जिस तरह से शब्दावली का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और भारतीयों को जिस तरह का कंफर्ट दिया और जो कॉन्फिडेंस दिया वहां के रहने वाले जो इंडियन अमेरिकन हैं और देश के बारे में जिस तरह का टूरिज्म, उससे साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते तो अमेरिका के साथ तो होंगे ही लेकिन साथ साथ दुनिया के कई और बड़े ममालिक जो हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे होंगे और उसमें अमेरिका के इस पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी जो अमेरिका दिखाया है उससे हमारे दूसरे देशों के साथ भी पॉजिटिव जो रिलेशन अच्छे रिलेशनशिप बढ़ने में कामयाब होंगे हम। दूसरी चीज उसने एक चीज और साफ सामने दिखा कि हम एक इक्वल स्टेटस की तरह जो है प्रधानमंत्री और ट्रंप जो एक इक्वल स्टेटस लगा दोनों का, दोनों एक दूसरे एक अलग अलग स्टेट के लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों के पास कुछ देने को एक दूसरे को लेकिन अब जहां तक सिर्फ मुझे नहीं करना चाहिए इसका किसकी तुलना, लेकिन पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट की तरह दिखा कि भाई अपने जरूरत के तहत उसको बुलाना है, अपने जरूरत के तहत हम पाकिस्तान को यूज करना है, वो बिल्कुल वो डिफरेंस जो है हमें बहुत ऊपर ले जाता। और सही मानता हूं जब कह रहे थे सुशांत जी कि इसके बारे में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान इतने नीचे चला गया है अब दोनों के साथ कोई तालमेल का और इस तरह का कोई स्टैंडिंग की बात ही नहीं करनी चाहिए। जी सुभ्रांश आप भी अपनी बात रखें फिर उसके बाद मैं सुशांत जी के पास जाऊंगा। जी देखिए ऐसा है कि कल के इवेंट को लेकर मेरे अपने भी ओपिनियन से ओपिनियन ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैंपेन कल मैनेज किया ये कह के कि अब की बार ट्रंप सरकार, इसके अलावा ये सत्य जानते हुए कि जितने अमेरिकन इंडियन हैं उनका मैक्सिमम का इंटरेस्ट जो है वो रिपब्लिकन की तरफ होता है फिर भी उन्होंने कैंपेन कर दिया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बिल्कुल आपने सत्य कहा साहब, सब अच्छा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मेरा जो थोड़ा अलग मानना, इंफ्रास्ट्रक्चर में साहब रोड के अलावा बिल्डिंगें भी आती हैं, और रही बात यह कि आप रेरा अप्लाई पहले हुआ या बाद में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो पब्लिक कोर्ट के बाहर खड़ी है और अपने घर का इंतजार कर रही है ये व्यवस्था सुधारना भी सरकार की जिम्मेदारी होती, तो इससे आप अलग नहीं हो सकते। तीसरा आपने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का सुंदर जिक्र किया, अगर कभी KMP की तरफ जाने का मौका मिले, अरे सर कभी KMP की तरफ जाने का मौका मिले तो गाड़ी चलाकर देखिएगा KMP पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ दिखेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब हम जफर साहब आप बड़े आदमी हैं, बड़े सर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, अब थोड़ी तो आवाज देखिए सर, स्वतंत्र आवाजों को थोड़ा मौका दीजिए। अमेरिका के साथ जफर साहब आप राष्ट्रीय
आपने कहा कि हम ग्लोबल स्टैंडिंग हिंदुस्तान की हो, ये जो भी कांग्रेस ने सपने देखे हमने सब पूरे किए, देश के बारे में आपने सपने देखिए और अच्छे सपने देखे। अच्छा ये हम उसको बहुत लोकल इश्यूज में जाइए भाई, इतने इतने बड़े जफर साहब हम अच्छा कर रहे हैं भाई। सुब्रांशु जी जो कह रहे हैं, अच्छी सुब्रांशु जी जो कह रहे हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे जो फ्लैट ओनर थे बेचारे फंस गए। नीरज कुछ और प्लीज, नीरज मैं बोलता हूँ, जफर साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, कम से कम स्वतंत्र आवाजों को कुछ तो बोलने दीजिए, माना कि संपूर्ण सर्वस्व आप बात रखिए, आप बात रखिए सर, कांग्रेस के सुब्रांशु जी कांग्रेस का पॉइंट हो गया ना आपका, पॉइंट हो गया आपका। आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं तो देश आर्थिक रूप से मजबूत तब होगा जब छोटे छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, और जो ट्रंप साहब ने 5 जून 2019 को फरमान जारी किया था प्रोग्रेसिव कंट्री के जीएसपी को लेकर, उसमें हमारे 192 प्रोडक्ट संट हो गए, तो या तो ये इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी या बंद होने के कगार पे होंगी। बड़ा अच्छा लगता है गले मिलना, बड़ा अच्छा है हाथ मिलाना, बड़ा अच्छा लगता है तालियां बजाना, लेकिन सुब्रांशु जी अच्छा खत्म होने के मैं मुझे सुशांत जी की बात जाना भाई, ये जो सुनिए एसएमई सेक्टर पे बहस नहीं हो रही है, ये एसएमई सेक्टर की बहस नहीं है, एनबीएफसी की बहस नहीं है। सुब्रांश जी मैं इस पे जब शो करूंगा तो आपको बुलाऊंगा जरूर कि एसएमई सेक्टर में बहस करेंगे कि उसके लिए कैसे पूरी टोटैलिटी में काम हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस किए गए हैं जिससे उनको फायदा हो, और ये जो कॉरपोरेट टैक्स वैक्स कम किए गए हैं इसका बड़ा फायदा उस सेक्टर्स में जाए, क्योंकि बहुत सारी एंसिलरीज एचयूएल के लिए काम करती हैं, तो ऐसा नहीं कि सूट बूट की सरकार खाली इनके लिए काम कर रही है, थोड़ा सा मतलब पर्सपेक्टिव में आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ गया। लेकिन शरीन साहब आप अभी बीच में कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल तवज्जो न दें, आपकी बात सर माथे पर, लेकिन अभी हमने जो बहुत सारी जनता की राय सुनाई उनके मन में ये बात कौनती है, तो लाइक और हेट कुछ भी करें आप लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, और अब तो वो पीओके वाली बात भी जफर साहब कह रहे हैं हम तो उसको भी लेंगे, तो मतलब तो रखना पड़ेगा। सुशांत साहब नहीं देखिए मेरा मानना ये है कि आपके अनफॉर्चुनेटली ये भगवान का कहर है हमारे ऊपर कि हमारे पास एक उस तरीके का पड़ोसी है जी। तो उसको हम टोटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भारत और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को पाकिस्तान के साथ अपनी तुलना करना या अपने आप को जोड़ना या पाकिस्तान के संदर्भ में अपने रिश्ते अमेरिका या रूस या चीन या किसी और देश के साथ देखना, मेरे ख्याल हम अपने आप को कम करते हैं उस तरीके का एक मेल करके, वो तो एक वो एक लिमिटेड बहस है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भारत की जनता है जो उसका एक रोष है पाकिस्तान की तरफ, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, वो दर्शाया जाता है और वो दर्शाया जा रहा है जिस तरीके की बातें लोग करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा लोगों को छूता है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार होता है वो लोगों को गुस्सा आता है, पाकिस्तान जिस तरीके की नियत रखता है और जिस तरीके की नीति रखता है उस पर सारे के सारे भारतवासी जो है, कुछ लोगों को छोड़ के शायद बाकी सारे के सारे तमाम भारतवासी कम्युनिस्टों वगैरह को निकाल दीजिए, वो सारे एक पेज पे हैं उस मामले के ऊपर, वो सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो एक दूसरी बहस हो जाती है, वो भारत पाकिस्तान को कैसे डील करे हम उस संदर्भ में बात करें तो वो बात समझ में आती है। पॉइंट सर, यहाँ पर हम अगले लेवल की बात कर रहे हैं, राइट सर, तो मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जब हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बीच में पाकिस्तान जैसी चीज को हम क्यों बीच में घुसाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुशांत जी, लेकिन क्या होता है ना बीच बीच में कभी कभी वो ऐसी ऑप्टिकल कोशिश करता है पाकिस्तान, आपके प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ जाती है वो अलग बात है। नहीं सर टीआरपी नहीं, तो जेन्युइन इशू है कि बीच बीच में वो ये बात बिल्कुल आप अमेरिका चला जाता है और वहां से कुछ अपने करने की कोशिश करता है जिससे वो ऐसा आभास होता है, चूंकि आम जनता ये बात जब सुनती है उसको लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए। प्रयाग साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है, मैं इसको दूसरे तरह से रख देता हूँ कि जो कुछ भी कल हुआ एक बड़े मंच से ये बात ट्रंप साहब ने भी कही कि अब हमको ये करना है, एक लड़ाई लड़नी है, रेडिकल इस्लामिज्म को ख़त्म करना है, तो क्या भारत जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इस चीज़ से और हमारा जैसे कह रहे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा पड़ोसी है तो हम अब क्या करें, है तो है वो, तो क्या हम जब ऐसी निर्णायक लड़ाई जो मोदी जी कह रहे लड़ेंगे तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा? देखिए पहले तो मैं ये कह दूं कि सुशांत जी जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का जो मुद्दा हम अमेरिका और भारत का जहां संबंध है उसमें ना लाया जाए,
पर मुद्दा अपने आप थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि आतंकवाद के संदर्भ में मुद्दा आ जाता है, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और पाकिस्तान ही एक सबसे बड़ा सेंटर है आतंकवाद का, वो सबको मालूम है। तो उस संदर्भ में पाकिस्तान थोड़ा बहुत अंदर आ, पाकिस्तान को हम बायलैटरल स्तर पर रखें और यही सही होगा, और बार बार पाकिस्तान के साथ तुलना करना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बस साइड ट्रैक हो जाती है हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी। और दूसरी बात ये है कि आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, जरा फिर बताइए कि क्या हमारे साथ वो खड़ा होगा अमेरिका? देखिए अभी तक तो लग रहा है कि हम लोग साथ साथ काफी दूर तक चल रहे हैं जी। नहीं नहीं, वो तो खैर म्यूचुअल होता है, वो कोई अपने किसी देश के साथ खड़ा तभी होता है जब उसको फायदा होगा, तभी खड़े होते हैं, कि इंटरनेशनल रिलेशंस इसी पे चलता है। क्लिनिकल इसमें सेंटिमेंट का और इमोशन का कमी होता है जगह, और उसमें फायदे का देखते हैं दोनों साइड। पर उसमें लगता है कि हेल्प तो मिलेगा अमेरिका से हमको, इंटेलिजेंस हेल्प, आतंकवाद के खिलाफ जरूर हेल्प मिलेगा और मिलता रहा है, और कई ओकेशन पे वो हमको इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, और क्योंकि उनको भी फिक्र है पाकिस्तान में जो हो रहा है और उसका असर जो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो मुझे तो लगता है आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अमेरिका हमारे साथ देगा, काफ़ी हद तक देगा। वह कितना देगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर माहौल बदल जाए तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट अगर बदल जाए तो फिर नेचुरली चेंज तो आएंगे। शिवकांत जी, आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूँ मैं, अब समय कम है, थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा। मोदी जी ने कल एक और बात कही अपने भाषण में कि भारत में सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई। तो अभी शुरुआती टिप्पणी में किसी ने कहा कि मोदी जिस तरीके से गिना रहे थे, तो उन्होंने शायद वो स्पीच नहीं सुनी होगी कि ट्रंप साहब तो यहाँ तक गिना रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ 300-500 जॉब क्रिएट किए हैं, और उन्होंने ये तक कह डाला कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने हमारे यहाँ जो $500 मिलियन लगाया उससे कितने जॉब क्रिएट हुए हैं। तो जब कोई नेता बात करता है तो इस तरह की बातें रखता ही है। तो मोदी जी ने जो कहा ठीक ठाक चल रहा है, तो इंडियन डायस्पोरा आपके इलाके में भी और US में भी स्वीकार करते हैं इसको, अच्छे से लेते हैं, क्योंकि उनके रिएक्शन से तो मुझे ऐसा लगता है। नहीं बिल्कुल, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको इस बात को लेकर चिंता होती है कि भारत में अभी भी सड़कों की, बिजली की, या जो व्यवस्था है उसकी हालत कैसी है, सुधरी है नहीं सुधरी है, क्योंकि वो जब जब जाते हैं उनको तमाम तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तो उनको आश्वस्त करने के लिए इस तरह की बात कहनी पड़ती है। मैं एक कुछ क्षण के लिए उस पर लौटना चाहूंगा। कल मोदी जी ने जो कहा था कि कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, उसी संदर्भ में उन्होंने जब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ इशारा किया तो उन्होंने कल केवल ये कहा कि वो भी कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ है नहीं कहा उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आगे चल के, कि कट्टर इस्लामी आतंक की अमरीका की परिभाषा हमेशा भारत से मेल नहीं खाती रही है अभी तक। ये ठीक है इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस शेयर करने के मामले में मुझे लगता है भारत को अब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका भी तंत्र उनको मजबूत करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक सवाल है जिसपे मुझे लगता है कन्वर्जेंस की जरूरत है आगे चल। पॉइंट सही है आपका, और मुझे ध्यान है, अब चूंकि आपने जिक्र किया तो मुझे भी भाषण याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा कि 9/11 और 26/11 के जो अपराधी थे वो कहाँ छिपे थे ये सबको पता है, तो उस समय ट्रंप साहब का जो रिएक्शन दिखा था वो स्वीकारोक्ति में था कि हाँ मतलब दोनों देशों के दुश्मन कहीं ना कहीं कॉमन है, तो वो उसका एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हर एक के अपने अपने हित, अपने अपनी परिभाषाएं होती हैं, उनका कन्वर्जेंस इतना आसान नहीं जितना हमको दिखाई देता है। एक सवाल मैं बहुत ही छोटा 10 सेकंड सर सरीन साहब आपके लिए, उसके बाद जफर साहब आप क्लोजिंग करिएगा, चूँकि आपकी तरफ बहुत सारे सवाल आए। सरीन साहब 10 सेकंड में आप इशारा करें इसलिए आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर देखिए हमको थोड़ा सा मेरे ख्याल संभल कर चलना चाहिए। देखिए अमेरिका जब आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता है या एक रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो उसका जो फुटप्रिंट है दुनिया भर में है, वो अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, खाड़ी के देशों में भी है, दक्षिण एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तमाम जगहों पर उसका एक फुटप्रिंट है।
हम जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो हम बड़े एक महदूद पैराए में बात करते हैं, और हमारा और अमेरिका का जो एक रिलेशनशिप होगा आतंकवाद को लेकर के, जब हम बोलते हैं अमेरिका हमारा साथ देगा, तो कल को अगर अमेरिका हमसे ये बोले कि भाई आप अफ्रीका में हमारे साथ आइए या अफगानिस्तान में हमारे साथ आइए, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो समय मेरा सर को ध्यान रखना चाहिए, समय मेरा एकदम समाप्त हो रहा है। मैं बस वो जवाब दिखा दूं जो हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि जो भारत और अमेरिका की दोस्ती हो रही है, ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती से भारत को कितना फायदा होगा। 79% यानी 80 से एक कम प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि भारत को इससे ज़बरदस्त फायदा होगा, और हमने जो बीच में बातचीत लोगों की सुनाई थी जो साउंड बाइट के तौर पर, उसमें भी बात निकल के आई थी। तो एक बड़ी उम्मीद बनती है, और दो विश्व के बड़े नेता एक मंच पर जाके बहुत सारी बातें साझा करते हैं, उससे देश का नाम होता है, और बहुत सारे इश्यूज़ जो उन्होंने सामने रखे बड़ी साफगोई से रखे हैं, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि इस तरीके का रिस्पांस अमेरिका में मोदी जी को मिला, और हम सबके सबसे बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। और एक बात जो इस पर चर्चा में निकल के आई कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है सोच में भी, राजनीति में भी और डिप्लोमेसी में भी, उसका फ़ायदा भारत को ज़रूर मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हाउडी मोदी, देश में सब कुछ ठीक है, सबसे बड़ी टक्कर अमीश देवगन के साथ।